Dharam doesn't teach us communalism. It's about RSS, Jansang and BJP जो यहाँ पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे. सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज. दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस. ऐसा नहीं है. वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, वो एक फैमिली है. और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, दैट टीचेस अस दैट. पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं, वो न तो हिंदुत्व है और न हिंदुइज्म. कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसीस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल. जो कम्युनल पार्टीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसीस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. थैंक यू सो मच. चाइना, राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो. राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो. आज हम सारे यहाँ पे केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विपिन रावत जी ने कहा है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी बात को लेकर के हम चाइना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर का दौरा करें, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करें और चाइना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर के पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाए. इसी बात को आज लेकर के तमाम हमारे मिशन स्टेट हुड के लाओ मेरा इधर आके दे. तरक्की करो दिन रात. सुबह ही मुझे पुलिस कंट्रोल रूम से टेलीफोन आया कि दिलदूर के पास जो है एक सोनू जो है वो सड़क से नीचे एक्सीडेंट हो गया है. तो फौरन से मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कॉल किया, उसने जो है दो एम्बुलेंस जो है ऑन स्पॉट भेजी और अलग अलग टीम. तो इसमें देखा गया कि जो हॉस्पिटल में इस वक्त है कुछ 14 जो है ये इंजर्ड यहाँ पहुँचाए गए, जिसमें से दो की डेथ हो गई है और 6 जो है वो आप रेफर कर रहे हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज. इसलिए इन सब को 6 के 6 बंदों को जो है ये सीवर हेड इंजरी है. तो इसमें ये जो मेटाडोर थी रामगढ़ से भानार जा रही थी और इसमें मैक्सिमम लोग जो है 9 लोग जो है वो यूपी बिहार से हैं जो कुछ फेरी का काम करते हैं और 5 जो है यहाँ के लोकल हैं. तो उसमें काफ़ी सारे जो है इंजर्ड हैं, तो 6 को हम रेफर कर रहे हैं. मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ. आज हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है. कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और राहुल गांधी, इन तीनों के खिलाफ है. जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद ने एक किताब का जो विमोचन है 2-3 दिन पहले किया, जिसका नाम है सनराइजेज ओवर अयोध्या, इसके ऊपर उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जो है वो ISI जैसे आतंकी संगठन और बोको हराम जैसे एक खूंखार आतंकी संगठन से जो है उसकी तुलना की गई है. मैं बताना चाहता हूँ ये जो बोको हराम जो संगठन है, ये नाइजीरिया का एक खूंखार संगठन है जिसने 2009 के बाद के जो आंकड़े हैं उसने 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों का नरसंहार किया है और उसके अलावा 30 लाख से ऊपर लोग जो हैं उसके डर से जो है वो विस्थापित हुए और अलग अलग. कंगन रावत को देश से निकालो, देश से निकालो.
कंगना रनावत को जेल से निकालो, जेल से निकालो। कंगना रनावत को जेल से निकालो, जेल से निकालो। कंगना रनावत को जेल से निकालो, जेल से निकालो। कंगना रनावत को जेल से निकालो, जेल से निकालो। मैं मीनाक्षी छिबर, महिला अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का। आज जो हमारे यहाँ पे प्रदर्शन है वो कंगना रनावत को लेकर है। कंगना रनावत का हमने यहाँ पे पुतला फूका है। कंगना रनावत की जो बयानबाजी है वो हमारे यहाँ के जिन्होंने वीर जवानों ने शहादत दी है, अपनी बलिदान दिया है, जान की कुर्बानियां दी हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, इन्होंने इनका हम अपमान कतई भी सहन नहीं करेंगे। शिवसेना ये कतई भी सहन नहीं करेगी। मोदी की भक्ति में अंधे होकर कुछ लोग जैसे कि कंगना रनावत अंधी होकर अपना शायद मानसिक संतुलन भी खो बैठी है। और हम उससे यही कहेंगे कि उसको जो देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उससे पद्मश्री अवार्ड जो है वापिस लिया जाए। हम ये शिवसेना कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो उसकी गलत बयानबाजी, एक तरफ से मोदी सरकार अमृत सहयोग चला रही है, वीर जवानों को शहादत दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, और कंगना रनावत की गलत बयानबाजी। आखिर मैं कंगना रनावत से ये पूछना चाहती हूँ कि वो अमृत सहयोगी पर क्या कहना चाहेगी, उसका क्या बयानबाजी है। हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कंगना का गलत बयानबाजी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसको जो है जेल के पीछे रखा जाए, इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी मीडियाकर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने J&K यूथ के लिए हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारा साथ दिया। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा LG साहब को कि क्या इनको ग्राउंड रियलिटी प्रॉपरली बताई नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तहत जो हमारा SRO 2005 है उसमें क्लॉज 2 ये कहता है कि J&K में हर साल जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है ऐसा है कि वो साल में 2 बार होनी चाहिए, राइट। लेकिन 2009 से लेके 21 तक अभी तक सिर्फ 1 बार हमारे SI की रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुई है। दूसरी चीज़ हमारी ये कहना है कि J&K जो है अनएम्प्लॉयमेंट में J&K पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आ चुका हुआ है। मोर न्यूट्रिशियस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो J&K नंबर 1 पे आ गया हुआ पूरे इंडिया में। अब और क्या बनाना चाहते हैं LG साहब, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है J&K यूथ के साथ मुझे समझ नहीं आ रही। आपने एज रिलैक्सेशन दी जी सर, बताएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है, हमने ये मेमोरेंडम जो है अमित शाह जी को और गवर्नर LG जो हमारे इनको भेजा है, इसमें हमारे जो फ्रंट की जो डिमांड है, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर में सिख बरादरी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारी अमित शाह जी से और LG मनोज सिन्हा जी से ये डिमांड है कि हमारी सिख बरादरी से एक जो है एडवाइजर जो है वो सरकार में नियुक्त किया जाए, और हम प्रपोज करते हैं कि सुदर्शन सिंह वजीर जी जो हमारे जम्मू के एक अहम लीडर हैं, सिख नेता हैं, हमारे फंड की तरफ से ये डिमांड है कि सुदर्शन सिंह वजीर जी को एज एडवाइजर जो सिख एडवाइजर जो है जम्मू कश्मीर सरकार नियुक्त करे। इसके साथ ही हमारी ये डिमांड है कि जो हमारे 47 से हम उजड़ के आए पाकिस्तान से, जब हम जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा इलाका चल गया, चाहे पुंछ का हो, मुजफ्फराबाद, इस दौर के विच इस नु छुट्टी रख के और भारत के लाल दिवस के तौर से मनाने का ऐलान करेंगे। खाओ हिंदू खा सिख हो, खा मुसलमान हो, खा ईसाई हो, उन्होंने असि अपील करते हैं कि जी सर, जी सर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुख्तसर ते बड़े अहम मसले दे उत्ते है।
अज असी जितनिया रियासत जम्मू इस यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर जितनिया सिख जथेबंदियां उन्हां वल्लों असी पुरजोर मंग करदे हां भारत की सरकार कोलों बाकी दियां तमाम रियासतां दे कोलों उन्हां दे जिहड़े हुकूमतां प्लस जितनिया यूनियन टेरेटरीज भारत वर्ष दियां उन्हां कोलों भी असी मंग करदे हां कि ये 14 दिवस जिहड़ा बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है इसनूं बाल दिवस के बजाय